हाय फ्रेंड्स, ममाज ढाबा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मूंग दाल का चिला। मूंग दाल के चिले के लिए आप एक कप दो कप जितनी भी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार मूंग दाल को पानी में भिगो कर रख दें। मैंने दो कप मूंग की दाल दो घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दी, फिर उसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसे छान कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें। ये आप देखें, इसे ये फूल गई है मूंग की दाल हमारी। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, दो घंटे तक फुला के रखा था मैंने। अब इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसका हम अच्छा सा पतला सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मूंग दाल पिसकर तैयार है। इसका बहुत फाइन घोल मैंने बना लिया है। इसको हम किसी दूसरे बर्तन में ऐसे डाल लेंगे। आप ये देखें, जरूरत के अनुसार इसमें हम पानी मिलाएंगे बाद में। देखिए, हम मूंग दाल के चिले की कंसिस्टेंसी ऐसी रखेंगे जैसे हम पकौड़े बनाने के लिए बेसन रखते हैं उस हिसाब की। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। नमक बहुत ज्यादा नहीं मिलाएं क्योंकि ये मैं मूंग दाल भरवा मूंग दाल बना रही हूँ। इसके अंदर हम पनीर की फिलिंग करेंगे और पनीर में भी हम नमक डालेंगे, इसलिए मैंने नमक इसमें कम डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला का पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, आप अपने स्वाद के अनुसार मिला लें और इन सबको आप मिक्स कर लें। देखिए, ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब एक टिप मैं देना चाहूंगी, मूंग दाल में आप चाहें तो इसे कुरकुरा बनाने के लिए थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल भिगो कर रख दें और उसे आप पीस कर इसमें मिक्स कर दें, या अगर आपके पास सूजी हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी मिला दें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून सूजी मिला रही हूं और इसे बढ़िया से फेंट लें, बढ़िया से मिला लें। इसमें थोड़ा पानी मिला दें आप, क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है, तो इसमें पानी मिला दें आप। और थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, तब तक ये सूजी इसमें सेट हो जाएगी। तो चलिए अब फिलिंग तैयार करें। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। देखिए, कढ़ाई मैंने गर्म कर दी है, इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड डालने के बाद थोड़ा सा खड़ा जीरा, इसके बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक, मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप हरी मिर्च स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1 मिनट तक इसे भून लें। अब ये देखिए भून गई है, 1 मिनट हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। ये पनीर, मैंने 2 कप पनीर, आप इसको मान लो 200 ग्राम पनीर, घर का निकाला हुआ पनीर जिसको मैंने कद्दूकस करा हुआ है, पनीर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आलू भी मैश कर सकते हैं, आलू मैश करके भी डाल सकते हैं। मैंने ये बहुत हेल्दी बनाया है, आलू नहीं डाला। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। नमक ध्यान रखें क्योंकि हमने नमक पहले चीले की घोल में भी डाला है, तो नमक कम डालें आप। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्च डाल रखी है मैंने, और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चाट मसाला, हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे हम करीबन 1 मिनट तक यूं ही भूनेंगे। ये हमारी भुन गई है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इसे हमने मीडियम आंच पे भुना था, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब देखिए, ये पनीर की फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। मैंने पहले ही बताया था, आप इसमें चाहो तो जो है वो इसमें आप पोटैटो को भी उबालकर मैश करके डाल सकते हो, मिक्स कर सकते हो। ये काफी हेल्दी बनाया है मैंने बच्चों के अनुसार, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा नहीं है इसमें। अब आप देखें, हमारा जो घोल है मूंग दाल का और थोड़ा जो सूजी मिलाया था मैंने, ये भी अब सेट हो गया है। अब हम चीला बनाएंगे। अब ये तवा मैंने पहले से गर्म करने को रख दिया था। चीला डोसा जो है वो लोहे की तवे में ही अच्छी बनती है, लोहा का तवा है। ये गर्म हो चुका है, हम इसे चेक कर लेंगे ये गर्म हुआ कि नहीं। एक बूंद घोल डाल के मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए, आवाज आ रही है, यानी ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। 1 बूंद रिफाइंड डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से चारों तरफ चला लेंगे। अब हम इसमें जो हमारा घोल है वो घोल डाल के धीरे धीरे फैला लेंगे। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा जैसा मर्जी वैसा चीला बना सकते हैं, पतला मोटा। ये चीला बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि मैंने सूजी डाला है
तो ये चिपकती भी नहीं सूजी की वजह से, मूंग तो वैसे भी नहीं चिपकती और सूजी की वजह से ये और भी नहीं चिपकती। अब इसे हम वेट करेंगे, जब ये पक जाए तब हम दूसरी तरफ से इसे पलट देंगे। देखिए ये इस साइड से हो गई है, आप ये बहुत आराम से छूट जाएगी, बहुत आराम से आप इसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाल रखा है, ये चिपकेगी नहीं। इसे चेक कर लें, हाँ ये हो चुकी है। दूसरे साइड से आप थोड़ा पका लें करीबन 30 सेकंड को, इसमें तेल की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसे 30 सेकंड के लिए बस पकाएंगे। इसके बाद इसे पलट लेंगे और पलट कर जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो फिलिंग हम इसमें डाल देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ये फिलिंग आप इसमें डाल दें और इसे मोड़ दें, इस तरह से फोल्ड कर दें। फोल्ड करके आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करें। ये देखिए काफी पौष्टिक, काफी सुंदर, वाओ इट्स अमेजिंग, बहुत ही उम्दा स्वाद, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ममाज ढाबा को, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और अच्छी अच्छी पकवान के साथ आपके साथ फिर से वापस आऊंगी। थैंक यू।